देश में किसान आंदोलन चल रहा है, अन्नदाता लगातार सड़कों पर डटा है। आज केंद्र सरकार से किसानों की बातचीत भी होनी है, लेकिन इस बीच अब तक विपक्षी केंद्र के तीनों कानूनों का विरोध कर रहा था, लेकिन अब नौबत ये आ चुकी है कि बीजेपी के ही नेता अब अपनी ही पार्टी के इस कानून का विरोध कर रहे हैं। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कौन है वो बीजेपी नेता जिन्होंने अपनी ही पार्टी में रहते हुए कृषि कानून का विरोध किया है, और आखिर बीजेपी में क्यों उठने लगे हैं विरोध के स्वर। इस बात की जानकारी हम आपको इस रिपोर्ट में देंगे। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ किसान दिल्ली से सटी सीमाओं पर पिछले एक महीने से भी ज्यादा समय से आंदोलन कर रहे हैं। किसान नेता और केंद्र सरकार के बीच कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, और आज की वार्ता भी काफी अहम होने वाली है, क्योंकि अब तक वार्ता में सिर्फ दो मांगों पर ही रजामंदी बन पाई है। सरकार कानून को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है, और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस कानून को लेकर विरोध दिखाई दे रहा है। बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व गृह मंत्री संपत सिंह ने तीनों केंद्रीय कृषि कानून को रद्द करने की बात कही है। केंद्र से आग्रह करते हुए संपत सिंह ने कहा कि वह सोमवार को आंदोलनकारी किसान के साथ होने वाली बैठक से पहले तीनों केंद्रीय कृषि कानून को रद्द कर दें। बीजेपी नेता ने कहा कि इन सभी कानून को वापस लिया जाना चाहिए और एमएसपी पर सरकार द्वारा फसलों की खरीद की गारंटी देने वाले नए कानून को उनके स्थान पर लाना चाहिए। वहीं दूसरे बीजेपी के एक और नेता ने किसान आंदोलन की तारीफ की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बीरेंद्र सिंह ने आंदोलनकारी किसानों को अपना समर्थन दिया और रोहतक के सांपला में किसान नेता छोटू राम की प्रतिमा के पास एक दिवसीय धरना भी दिया। बीरेंद्र के बेटे ब्रजेंद्र सिंह बीजेपी के सांसद हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि मैं इस आंदोलन में शामिल हो गया हूं क्योंकि मैं अब पहले एक किसान हूं और बाद में राजनीतिज्ञ हूं। जैसा कि मैं छोटू राम के परिवार का हूं, मेरा कर्तव्य किसानों के साथ खड़ा होना है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी में अब एक बार फिर कृषि कानून को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं, और यही कारण है कि अब तक तो कृषि कानून पर विपक्षी घेर रही थी, लेकिन अब सरकार ही घिरती नजर आ रही है। लेकिन आज की दौर की वार्ता किसान समाधान का क्या हल लाती है, इस पर हर किसी की निगाह टिकी है।